सेकंड है अपना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो देखो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, जो हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस यूज कर रहे थे उसकी जगह अब इसमें हम मिरर यूज करेंगे। तो देखो ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें रिप्लेस हो जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय कॉनकेव पैराबोलिक पैराबोलाइडल मिरर। ठीक है, तो बाकी सब कुछ वैसा ही है, केवल उसमें जो लेंस था उस लेंस में काफी प्रॉब्लम आ रही थी जिनको हमने डिस्कस भी किया था, उस लेंस की जगह पे हम यहां पर एक पैराबोलिक कॉनकेव मिरर यूज कर लेते हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हमने जो रीजन था क्योंकि लेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो कंस्ट्रक्शन कैसी होगी उसको समझते हैं। तो इसमें ये हम एक पैराबोलिक कॉनकेव मिरर हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव भी फॉर्म में, ये ऑब्जेक्टिव का काम करेगा। उसको बीच में से यहां से कट कर देते हैं, क्लियर है, और इसको एक ट्यूब पे लगा देते हैं। अब सपोज दैट यहां पर अपना कोई ऑब्जेक्ट है लाइक मून है या फिर स्टार है कोई, तो वहां से जो लाइट आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो ये इसका सपोज दैट प्रिंसिपल एक्सिस था, प्रिंसिपल एक्सिस, तो वहां से जो लाइट आएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी ऐसे, तो प्रिंसिपल एक्सिस की जब पैरेलल लाइट आती है तो वो फोकस पे कन्वर्ज होती है। सपोज दैट इसका फोकस यहां पर है, ये लाइट यहाँ पे कन्वर्ज होती है ऐसे, लेकिन हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे कन्वर्ज नहीं होने देते हैं, उससे पहले यहाँ पर एक सेकेंडरी मिरर और लगा देते हैं। यहाँ पे हमने एक मिरर लगा दिया, ये जो मिरर है कॉनवेक्स है, दिख रहा है अपने को, तो ये कॉनवेक्स मिरर है और ये था, ये है कॉनकेव मिरर। ये प्राइमरी मिरर है, ये और ये है अपना सेकेंडरी मिरर जो कि कॉनवेक्स है। अब ध्यान देना ये जो लाइट है ऐसे आएगी, ये ऐसे आ रही थी, अब ये लाइंस का ये जो मिरर है ये लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे, ये भी इसको रिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे, और यहाँ पर हम एक ट्यूब की हेल्प से आईपीस लेंस लगा देते हैं, आई लेंस, तो ऐसे इसमें इमेज बन जाती है, ये आई पीस है अपना, ये आई लेंस भी कह सकते हो। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है इसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता था कैसग्रेनियन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है न्यूटोनियन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो हमने ये जो डायग्राम बनाया है ये है कैसग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, क्लियर है। अब इसमें हुआ क्या, देखो मिरर लेने से क्या क्या अपने को बेनिफिट हो गया, तो मिरर लेने से अपना एक तो मिरर जो होता है, देखो जो प्रॉफिट है
वो क्या क्या हुए इसमें, लेंस की जगह पे हमें मिरर लेने से, तो देखो लेंस में तो दो सरफेस होती हैं, लेंस कुछ इस टाइप से होता है, तो दो स्फेरिकल सरफेस होती हैं, जबकि मिरर में एक ही सरफेस होती है। तो मिरर जो होगा वो लेंस से कॉस्टली भी नहीं होता है और साथ ही में लाइट वेट होता है, उसका वेट हल्का होगा क्योंकि इसमें दो सरफेस हैं, इसमें एक ही सरफेस है। तो सबसे पहला प्रॉफिट अपने को ये हो गया कि इसका लेस वेट होता है, जिससे हम इसको मैकेनिकली ईजिली हेल्ड कर सकते हैं, लेस वेट। सो मैकेनिकली हेल्ड करने में इसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड क्या है, इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन भी नहीं होगा, ये क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है ये पढ़ चुके हैं हम पिछली क्लास में। उसके बाद तीसरा जो है स्पेरिकल एब्रेशन, देखो स्पेरिकल एब्रेशन मिरर में होता है, बट यहाँ पर जो पैराबोलाइडल शेप लेने से क्या होगा कि ये जो स्पेरिकल एब्रेशन हो रहा था ये भी दूर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मिरर है सभी लाइट रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही फोकस करता है, क्लियर है, इसलिए हम पैराबोलिक शेप का ये कॉनकेव मिरर लेते हैं, क्लियर है, ताकि अपना स्फेरिकल एब्रेशन नहीं हो। तो ये कुछ प्रॉफिट हैं लेंस की जगह हम पैराबोलिक कॉनकेव मिरर लेने से। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सेम फॉर्मूले आते हैं मैग्निफिकेशन का, जैसे उसमें केस फर्स्ट में फॉर्मूला आया था, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं हम, तो आया था एफ नोट अपॉन में एफ ई वन प्लस एफ ई वाई डी, और केस सेकंड में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती थी तो उसमें आया था एम इक्वल्स टू माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूले आते हैं, बट डिफरेंस केवल इतना है इसमें जो फाइनल इमेज बनती थी वो इरेक्ट बनती है, इसलिए इसका जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव होगा। तो बस नेगेटिव साइन की जगह केवल अपने को पॉजिटिव साइन करना है, और इसका डेरिवेशन भी अपने सिलेबस में नहीं है, बट कई बार इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं डायरेक्ट, तो अपने को ये याद कर लेना है, वही है जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में था, केवल नेगेटिव की जगह यहाँ पर हमें पॉजिटिव यूज करना है। तो ये था अपना केस ग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो एनसीईआरटी में तो ये वाला टेलीस्कोप गिवन है अपने को, लेकिन अगर हम राजस्थान बोर्ड की बात करें तो उसमें न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम दिया हुआ है, उसको भी हम समझ लेते हैं, छोटा सा है, ऐसे ही है, बस हल्का सा डिफरेंस है दोनों में क्या है समझते हैं। देखो तो जो न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो देखो वैसे ही है जैसे क्रेस ग्रेनियन में थी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव हो गया जो कॉनकेव मिरर था, ऑब्जेक्टिव मिरर, क्लियर है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज दैट ये अपना मून है, इसकी इमेज अपने को बनानी इस टेलीस्कोप से, तो मून से जो लाइट आती हैं वो पैरेलल आती हैं, तो हम कोई भी दो लाइट रेज ले लेते हैं, इंक डाल दो, तो ये अपना ऑब्जेक्ट है लाइक मून है, तो इससे दो पैरेलल लाइट ले लो, एक हमने लाइट ये ले ली और दूसरी लाइट हमने ये ले ली, ठीक है। अभी मिरर इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, ये प्रिंसिपल फोकस, मान लो प्रिंसिपल फोकस इसका यहाँ पर है, तो इस फोकल प्लेन में ही ये लाइट आने की कोशिश करेंगी, यहाँ पर इसकी इमेज बनने की कोशिश होगी, लेकिन हम क्या करते हैं उससे पहले ही यहाँ पर एक मिरर लगा देते हैं, और ये मिरर इसके जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होता है ऐसे, तो उसमें ये मिरर जो था ये कॉन्वेक्स मिरर था, इसमें ये प्लेन मिरर होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब देखो होगा क्या,
लाइट ऐसे आएगी, ऐसे आई तो इसको अभी रिफ्लेक्ट कर देगा इस टाइप से, और इसको ऐसे कर देगा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें। देखो एक्चुअल में इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बननी थी, इतनी डिस्टेंस पे मिरर इधर बना देगा तो इसकी इमेज बन जाती है। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, इमेज ए बी। इसके आगे इधर आईपीस यूज कर लेते हैं, आईपीस लेंस है ये। तो आईपीस जो है इस पर लाइट आ रही है तो इसको कन्वर्ज कर देगा कुछ इस टाइप से, इधर और इधर। इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये लाइट इधर चली जाएगी और ये इधर, तो इसकी जो फाइनल इमेज है वो यहाँ पर अपने को अपियर होगी, ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि लार्ज होगी, इरेक्ट होगी। क्लियर है? तो ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्लियर है? थैंक यू। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है या फिर आप ऐसे कहो एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बजाय हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज़ करें तो उसमें क्या एडवांटेज होते हैं। तो देखो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि इसमें ब्राइट इमेज बनती है, दूसरा कोई एब्रेशन नहीं होता, ना ही स्फेरिकल एब्रेशन होता है, और ना ही क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। ये एब्रेशन क्या होते हैं इनको हमने समझ लिया था पिछली क्लास में डिटेल में। कॉस्टली भी कम होता है, ये लेस कॉस्टली। तो और लाइट वेट, तो ये कुछ एडवांटेज हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका ध्यान रखना। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो ध्यान रखना हमने दो माइक्रोस्कोप पढ़े हैं, टू टाइप्स के, और टू टाइप्स के ही हमने टेलीस्कोप पढ़े हैं। सबका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, और सब में जो दो केस हम स्टडी करते थे उन दोनों में मैग्नीफिकेशन क्या होता है उसका फॉर्मूला अपने को लर्न होना चाहिए, उसके बाद इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं।